मैं जेबो की जगह किसी और को नहीं दे सकता। वही मेरी बीवी थी, मुझे किसी और के साथ रहने की ख्वाहिश नहीं, ना ही मेरे दिल में ऐसा कोई अरमान। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते? बेटा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। लोग दूसरी शादी करते ही हैं ना, तुम भी कर लेना। देखो, तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, तुम सेबू को भूल जाओगे। मैं उसको भूलना नहीं चाहता अम्मी। उसकी यादें मेरा सरमाया है, उसकी यादें मेरे दिल में रहती है। जिंदगी यादों के सहारे नहीं गुजर सकती। सभा का हाल तुम्हारे सामने है, वो इस घर को नहीं संभाल सकती है। देखो, सारा वक्त घूमती फिरती रहती है, शॉपिंग करती रहती है। तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना तो तुम्हारा ख्याल रखेगी। सेबू जैसी कोई और लड़की नहीं है। आप प्लीज उसको दूसरी लड़कियों से ना मिलाएं। बेटा, मिल जाएगी कोई ना कोई लड़की, शहर भरा पड़ा लड़कियों से। मैं तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो बहुत मोहब्बत करने वाली होगी, तुम्हें और इस घर को संभाल लेगी इंशाल्लाह। प्लीज अम्मी, पहले ही आपने उसको मजबूर करके उसकी शादी मुझसे करवाई, और आप जानती हैं शादी क्यों नहीं चल सकी? क्योंकि शादी की बुनियाद मुफादात पर नहीं होती। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना अभी? कल को जेबू की इद्दत खत्म होगी तो सिकंदर उसकी शादी करवा देगा और वो अपने बाप की बात मान लेगी, फिर तुम क्या करोगे? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। फवाद, वो मेरी बीवी है। फवाद, वो किसी से दूसरी शादी नहीं कर सकती। फवाद संभालो। ऐसा नहीं हो सकता। फवाद, 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 क्या? वो किसी और की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फवाद संभालो खुद को बेटा। फवाद, क्या कर रहे हो? अपना गुस्सा इन चीजों में क्यों निकाल रहे हो? मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे। फवाद, 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 तहम्मुल करो, इसे डॉक्टर के पास ले चलते, चलो। क्या हो गया? सेवु किसी और की। फवाद, सेवु किसी। इसे क्या हो रहा है? इसे हुआ क्या? जल्दी उठो रे, अब्बू को बताती हूँ। अब्बू को फोन करें जल्दी से, उनको फोन करें कि अभी घर आए। फवाद, 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 अम्मी, फवाद को किसी किस्म का स्ट्रेस या सदमा नहीं देना, लेकिन लगता है कि फवाद किसी सदमे को दिल पे ले लिया है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? क्या मतलब आपका? फवाद को क्या हुआ? He's no more. नहीं 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 डॉक्टर साहब, अभी 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 हमसे बातें कर रहा था। आरएस डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? फवाद अभी हमसे बातें कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हौसला रखें, अल्लाह की यही मर्जी थी। I'm sorry. फवाद अब कैसे छोड़ के जाते? बिल्कुल ठीक था। मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, माँ सब गई हो मारी जाए मेरा बच्चा।
चला गया, मेरा ये दादा चला गया। इन लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये कैसे हुआ जी? मैं बता दूंगी। क्या हुआ शगुफ्ता? फवाद फौत हो गए। हमें जेबू को बताना चाहिए। बता दो। मैं जेबू को बता के आती हूँ। सेबू जी, तुम्हें एक बात बतानी है। जी बताएं। बताएं ना। फवाद का इंतकाल हो गया। क्या? सबा की कॉल आई थी, हम भी हैरान हो गए थे, सुनकर बहुत अफसोस हो। जो भी था, तुम्हारा शौहर था। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे वहां जाना हो। नहीं, कैसे जा सकती? तुम इद्दत में तलाक दी थी उसने तुम्हें। मुझे नहीं पता, मुझे वहां जाना है, खाला को मेरी जरूरत है। उसने तुम्हें तलाक दी थी, सब लोगों को पता। अगर तुम वहां गई तो तरह तरह की बातें करेंगे। तुम वहां नहीं जा सकते और सिकंदर भी इजाजत नहीं देंगे। अब ना वो दिन आएंगे, मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूँ, तू ही कह दे क्या करूँ, जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका, तेरी नफरत वली, तेरी नफरत वली, तेरी नफरत वली, तू मोहब्बत न कर, क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर ना। खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ। वाकई?
पता नहीं ये जगह मुझे अपने पास बुला लेती, यहाँ मैं कैसे आ जाता हूँ मालूम ही नहीं। सेबो का यहाँ ही रहती है, यहाँ इसका घर। आरिस, कब तक यूं ही खामोश बैठे रहोगे? कुछ खा लो, खाना ले आओ। भूख नहीं है मुझे। आरिस, कोई बात ही कर लो, कब से यूं ही चुप बैठे हो? क्या कहूं, कहने को रह ही क्या गया है। अपने दिल का बोझ हल्का कर लो, हम सबको ही सदमा है। वो दोनों इस घर से चले गए, सेबू भी और फवाद भी, और तुम यहां आ गई। आरिस, मेरा क्या कसूर है? तुम मुझसे क्यों खफा हो? तुम ये कभी नहीं बताओगी कि तुम्हारा कितना कसूर है, मगर मैं तुम्हें क्या कहूं, कसूर तो मेरा भी है। आरिस, मुझे बहुत अफसोस है। सबर रहने दो ये बात है, मुझे खामोश ही रहने दो। सबको सदमा है, घर में ऐसी खामोशी है कि दिल खौफ सका होगा। फवाद, ये वो अचानक चला जाएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसके दिल को जेबू का रोग लग गया था। सेबू का दीवाना था, बार बार उसके घर जाता, एक घर की दहलीज पे बैठा रहता, मगर उन लोगों में इतनी इंसानियत ही नहीं थी कि उससे बात कर लेते। दादी, मेरे दिल पर एक बोझ है। शादी से पहले किसी को पसंद करती थी, उससे मोहब्बत करती थी, मैंने अपनी हर बात सिर्फ जेबू को ही बताई थी। ये क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो सुबह? दादी, उस शख्स
के साथ की ख्वाहिश मत थी। को पता है? मैं जेबू से हर चीज शेयर करती थी, उसे अपनी एक एक बात बताती थी और वो मुझ पर हंसती थी। मुझे उस शख्स के प्यार ने दीवाना कर दिया था दादी। कौन कौन था वो आदमी? कौन था वो आदमी बता मुझे, कौन था बता। दादी जिससे मैं प्यार करती थी वो फवाद था। चुप हो जा बेटा, इसे आगे एक लफ्ज भी ना कहना। आदी सेबु ने फवाद को मुझसे छीन लिया, लेकिन सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। इससे आगे एक लफ्ज मत बोलियो, बीती दास्तान को अल्फाज मत दो बेटा, अपना परम रखो। दादी नहीं जानती थी सबू ने वो शादी मेरे खाला के ऐसा नाती वजह से की थी, मेरे इंसानियत और हमदर्दी की वजह से की। मैं तो हमेशा यही समझती रही किसी ने मुझे धोखा दिया है। हमेश भी यही समझता रहा दादी। बस बेटा जो वक्त गुजर गया ना उसे भूल जाओ, उसे याद मत रखो बेटा, उसे याद ना रखना, उसे बुलाने में बच्चा तेरी भलाई है बेटा। दादी मैं नहीं बुला सकती, भूल जा मेरी बच्ची। दादी भूल जा मेरी बच्ची। खामोश रहो, खामोश रहो। खूबसूरत लग रही है तुम, दिल चाह रहा है बस तुम्हें देखूं। सेबू तुम नहीं जानती कि मैंने इस सुबह का कितना इंतजार किया। मैं तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा यादगार बनाना चाहता हूं। हमारा तो पूरी जिंदगी का साथ है फवाद, तुम्हें कुछ लम्हों की पड़ी है। जिंदगी का क्या पता, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ मिला, और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी में किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकूं। तू ही कह दे क्या करूं, जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका। तेरी नफरत वली मैंने सोचा था फवाद की शादी करा दूँ, घर बस जाएगा, खुश हो जाएगा मेरा बच्चा। मैं नहीं जानती थी इतनी जल्दी चला जाएगा मुझे छोड़। अम्मी सबर कर, मत रोए, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी सफीना। हिम्मत से काम लो। कहाँ से लाऊं हिम्मत, पता नहीं मेरी जेबू कैसी होगी। मैंने फोन करके शगुफ्ता आंटी को बता दिया था, मैं शायद जेबू को बता दिया हूँ।
उनकी तरफ से कोई नहीं है। अल्लाह जाने ऐसी कौन सी गलत फहमी हो गई, मेरे फवाद का घर बर्बाद हो गया। अम्मी सब्र करें, इस वक्त आपको बहुत हौसले और हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। ऐसे करूं मैं हिम्मत, कहां से लाऊं हौसला? पहले तहमीना, फिर मेरा फवाद, कितने सदमे सहूंगी मैं, कैसे ये दुख उठा पाऊंगी? मैं हूं ना आपके पास अम्मी, मैं इधर ही हूँ। सिकंदर, ये वक्त ऐसा है कि हमें सारे इख्तिलाफात भुलाकर उनके घर अफसोस करने जाना चाहिए। कुछ भी हो, वो जेबू का शौहर था, खालाजाद था। ठीक है, चले जाएंगे। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, हमने अपना दिल साफ कर लिया। जेबू कैसी है? सदमे में, मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। जिस शख्स ने उसे तलाक दी उसके लिए सदमे में। शौहर था उसका और शादी चाहे एक दिन की हो, यादों में तो रहती है ना, कैसे भुला सकती है? ठीक कह रही हूँ सिकंदर, ये वक्त ऐसा है कि हमें सारे इख्तिलाफात भुलाकर उनके घर अफसोस करने जाना चाहिए। कुछ भी हो, वो जेबू का शौहर था। कब जाना? हम फवाद के अफसोस के लिए आए। आई। तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? अंदर ही हैं। आप लोग तशरीफ लाइए। फवाद का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम यहाँ पुरानी बातें नहीं करना चाहते, सिर्फ अफसोस के लिए आए हैं। सेबू कैसी है? सके मुझसे फोन पे बात कर ले, मैं खादा हूं उसकी। जी मैं जरूर कहूंगी, लेकिन अभी वो खुद भी सदमे में है। आखिर उसका खाला जात था, बचपन का साथ था। जेबू क्या गई? मेरे घर की रौनक ही चली गई। जेबू है ही ऐसी, जो उससे मिलता है उसका गर्वीदा हो जाता है। तलाक के बाद बिल्कुल बिखर गई थी जेबू, बात मुश्किल से संभली है। फवाद को भी इसी बात का पछतावा था। फवाद ने ऐसा क्यों किया? क्यों से गुस्से में तलाक दी हम नहीं समझ सके, और ना ही जेबू इस बारे में कोई बात करना चाहती है। पुरानी रंजिशों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं। फवाद भी अपनी गलती पर शर्मिंदा था। फवाद बहुत मोहब्बत करता था सेबू से, बस वो उस मोहब्बत को संभाल नहीं सका। सफीना जी, आप उसकी खाला हैं, आप जब भी चाहें तो सेबू से मिलने आ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आऊंगी, जरूर आऊंगी, सेबू बहुत याद आती है। मैं ना रहा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सफीना जी आप हौसला रखें, हम यहाँ आपका दुख बांटने आए हैं, आपको दुख देने नहीं आए। वो आपकी भांजी है, आपसे मिलेगी तो उसको भी हौसला मिलेगा। सेबू आपसे बहुत करीब है, बस एक गुजारिश है आपसे कि खाला और भांजी के दरमियान कभी ये
दूरी बताने दीजिएगा। मैं भी इन दूरियों को खत्म करना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों दिख रही है? दादी, जेबू के घर वाले आए हैं फवाद का अफसोस करने। अरे तो आना चाहिए था उन्हें अफसोस करने के लिए। दादी, आप हालात नहीं जानती, फवाद का इंतकाल हो गया और जेबू की इद्दत भी खत्म होने वाली है। आरिस तो भी जेबू से मोहब्बत करता है। दादी, मुझे तो ये फिक्र है कि कहीं आरिज मुझे छोड़कर जेबू से शादी ना कर ले। क्या कह रही है बेटा, है ऐसे कैसे हो सकता है? इधर इधर मेरे पास, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ मेरी बच्ची, अब बता सारी बात क्या हुआ। दादी, आप आरिज को नहीं जानती, आरिज अभी भी जेबू से मोहब्बत करता है, उसके दिल में जेबू को पाने की ख्वाहिश तो होगी ना, और क्या पता सेबू भी मुझसे बदला लेना चाहे। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, उसका बाप कभी भी उसकी शादी आरेस से नहीं करेगा। ये क्या-क्या सोचती रहती हो बेटा तुम, क्यों खामखा का वहम करती हो, टेंशन लेती हो, ऐसा नहीं सोचते। दादी, ऐसा हो भी तो सकता है ना, सेबू के घर वालों का यहाँ आना अच्छा नहीं है। अरे बेटा, अफसोस करने के लिए आए हैं, अफसोस करके चले जाएंगे। अरे तुम इन बातों का गलत मतलब ना लो बेटा। और आरिस को देखे जरा, उनके साथ ऐसे बैठा हुआ है जैसे धनी कोई खास मेहमान हो। लो, हद हो गई भाई, वो तो हर एक के साथ ऐसे ही बैठते, ऐसे ही बात करता है, तुम क्यों वहम कर रही हो। दादी, मुझे तो यूं लग रहा है कि आरिस जेबू से शादी कर लेगा। जेबू ने भी तो किसी ना किसी से दूसरी शादी करनी है ना। दादी, जेबू मेरा घर खराब कर देगी। अरे बेटा, जेबू कभी अरे से शादी नहीं करेगी, उसका बाप एक अमीर आदमी है, अरे वो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिश्ता देख लेगा। और जेबू को इतना भोला ना समझ बेटा, जैसे ही इद्दत में से निकलेगी वो खुद ही अपने लिए कोई अच्छा रिश्ता देख ले। दादी, अगर वो आरेज हुआ तो? आप नहीं जानती, आरेज मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, हमारे दरमियान तो इतना फासला है मैं आपको बता भी नहीं सकती। ए बेटा, तू आरेज की बीवी है, अरे तुम क्यों मुकाबला करती हो जेबू के साथ, है तुमने क्या समझा हुआ निकाह को। देख बेटा, बीवी से मोहब्बत हो ना हो, लेकिन रिश्ता तो रहता है ना, निकाह को इतना मामूली ना समझ। आरिस की अम्मी भी तो यही चाहेंगी ना कि जेबू दोबारा इस घर की बहू बन जाए। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती दादी। ना बेटा ना, ये सब इतना आसान नहीं है, और जेबू कभी तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकती। दादी, आप आरिस को नहीं जानती, उसका मिजाज बहुत अलग है, मैं जानती हूँ वो आज भी जेबू से मोहब्बत करता है। अरे ना बेटा ना, जेबू कभी आरेस से शादी नहीं करेगी, ये लिख ले मेरी बात कहीं। आरेस तो शेख चिल्ली है जो हवा में बातें करता रहता है खामखा में, है देख लेना तुम, एक दिन जरूर ठोकर खाएगा। अगर जेबू ने आरेस से शादी करनी होती ना तो पहले ना कर लेती है। ना मेरी बच्ची, इधर आ, इधर आ मेरे पास, ना ऐसे नहीं परेशान हो, ऐसे नहीं परेशान होती, अल्लाह सब बेहतर करता, तू क्यों परेशान होती है, वहम नहीं करते बेटा, ठीक हो जाएगा, मेरी बेटी को सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी खाला तुमसे मिलने आएगी, उनसे मिल लेना, आखिर वो तुम्हारी खाला है,
तुम्हारा बचपन गुजरा है उनके साथ। वैसे बेटा फवाद नहीं रहा तो क्या फायदा इख्तलाफ देखने का। ठीक है, मुझे खाला से कोई शिकवा नहीं है, मुझे उनके गम का अंदाजा है, न जाने उन पर क्या गुजरी होगी। तुम्हारी खाला तुम्हें बहुत याद कर रही थी, शायद वो अपनी दूसरी बहू से खुश नहीं है। आरेस भी हमारे साथ बैठा रहा, सदमे में था वो भी। उस घर के लोग आज भी तुम्हें याद करते हैं जेबू। फिर ऐसा क्या हुआ कि फवाद ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया? जब से आरिस की शादी हुई हालात बदल गए, वरना पहले तो फवाद और जेबू बिल्कुल ठीक थे। मुझे लगता है कि आरिस की बीवी ने कुछ किया होगा। हो सकता है। जेबू तुम भी तो कुछ कहो ना। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, पुरानी बात नहीं करना चाहती। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई इशार नहीं कर रहे, और वैसे भी हमने तुम्हारी खाला को तुम्हारी खुशी की खातिर तुमसे मिलने की इजाजत दी है, इसलिए उनसे कहा है कि वो यहाँ आए आके तुमसे मिल लें। हाँ जेबू, हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हाँ, अगर तुम नहीं चाहती हो तो जेबू से मिलना चाहती हूँ। हाँ, भांजी है मेरी, बहुत याद आती है। उस बच्ची ने हमें बहुत सुख दिया। सबा का हाल तो आपने देख ही लिया है, उसने कभी हमारा गम नहीं बांटा, कभी हमें अपना नहीं समझा उसने। ठीक है, तुम जेबू से मिल लो, आरिस को भी साथ ले जाओ, और वैसे भी लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अच्छा किया सिकंदर ने अकल नदी का मुजहरा किया है। हमें जेबू की, जेबू को हमारी जरूरत है। कितनी मोहब्बत से फवाद उसे ब्याह कर लाया, वो उसकी मोहब्बत को तो नहीं भूल सकती ना। मोहब्बत भी क्या भूल जाने वाली चीज होती है। सही कहा आपने, सेबू हमारी बहू थी, इस घर की इज्जत रौनक थी। रौनक तो बेटियों से होती है ना, सेबू हमारी बेटियों की तरह थी। तेमीना ने कितनी मोहब्बत से पाला था उसे, फवाद ने कितने अरमान से ब्याह था उसे, मैं कितनी चाहत से उसे इस घर में लेकर आई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। हौसला रखो सफीना, हौसला रखो, हिम्मत से काम लो। तुम इस तरह देखकर मैं भी रंजीदा हो जाता हूँ, और ये दुख सिर्फ तुम्हारे अकेले का तो नहीं है। मुझमें आप जितना हौसला नहीं है प्यासा। जेबू से मिलोगी, तुम्हें तसल्ली होगी, तुम्हारा दिल अच्छा हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम उसे बहुत याद करती हो, तुमने और तमीना ने उसे पाला है। सिकंदर तो बहुत बाद में आया है।